गाय का दूध निकाल लिया है और केंटली लेके बस पैदल घर जा रहा हूँ। आज गाड़ी नहीं है तो पैदल ही जाना पड़ रहा है। रास्ते में जा रहा हूँ, रास्ते में खेत हैं, साफ गेहूँ बो रखे हैं पड़ोसी के, और हाथ में ये देख रहे हो आप दूध की केंटली है। दूध लेके घर जा रहा हूँ। इधर भी ये खेत हैं, लोगों ने अपने अपने हिसाब से फसलें बो रखी है। साफ आप देख सकते हो, ये किसी ने मसूर बो रखी है तो किसी ने चने बो रखे हैं। इस प्रकार से अपने अपने जिसके जितना पानी है उसके हिसाब से उन लोगों ने फसलें बो रखी है। ये अलसी का खेत है, अलसी बो रखी है और इसको पिलाई भी कर रखी है, क्योंकि जिसके पास ट्यूबवेल में पानी है वो तो पिलाई करेगा ही करेगा। और इस प्रकार से पीछे पेड़ देख सकते हो मेरे पीछे, तो घर जा रहे हैं साहब। अब घर जाने में लगभग 15 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि घर 1 किलोमीटर के आसपास है और मैं सीधे शॉर्टकट रास्ते से जा रहा हूँ। खेतों में होते हुए गुजरता है, ये पगडंडी वाला रास्ता है। ये पेड़ है पीछे देख रहे हो, बहुत बड़ा पेड़ है साहब। और इधर हमारे खेत भी आ गया, एक खेत और है हमारा जो इधर आ गया है। ये गेहूं का आपने पहले कभी देखा हो, नहीं देखा हो तो देख सकते हो, ये गेहूं का खेत है। और इधर क्या है कि गेहूं में खाने के लिए रोजड़े बोलते हैं जिनको नील गाय बहुत परेशान करती है, वो बहुत सारी इधर हैं। ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये कॉर्नर पे नील गाय हैं, वो भाग गई, वो मुझे देखकर भाग गई है अभी। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, नील गायों ने परेशान कर रखा है, आतंक मचा रखा है साहब। नील गाय हैं ये, क्या है, इनको बचाव के लिए इधर कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। नील गायों के बचाव के लिए कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा गेहूं को, नहीं तो ये फसलें पूरी चौपट कर देती है, बर्बाद कर देती है। ये क्या है, झुंड में आते हैं, 8 से 10 एक साथ आते हैं। ये अभी भाग रहे हैं, क्या है कि यहाँ थोड़ा जंगल वाला एरिया आ गया, हल्का फुल्का जंगल है, पेड़ पौधे कुछ ज़्यादा है उसके हिसाब से। तो ये नहीं तो आपको दिखाते हैं, अभी बताते हैं आपको कि क्या झाड़ फूक वाला सीधा रास्ता है। उधर क्या है कि मोटरसाइकिल ट्रैक्टर वगैरह आ जाते हैं, इधर क्या है ट्रैक्टर वगैरह तो इधर भी आ जाता है पर इधर कम आते हैं, इधर केवल खेत में हकाई जुताई करने के लिए आते हैं, बाकी नहीं आते। ये पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, क्या है नील गाय वगैरह कुछ ज़्यादा ही होते हैं जंगल में उसके हिसाब से। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली बार। ये पगडंडी वाले रास्ते से अब बड़े रास्ते पे आ गए हैं साहब, जहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह गुजरते हैं, जहाँ से बहुत सारे, ये पास में आप देख रहे हो ये छोटे बच्चों की मांवाड़ी केंद्र है। यहाँ पे पहले से 5वीं तक की कक्षाएं चलती है, मांवाड़ी केंद्र, और हैंडपम्प लगा हुआ है पास में पानी की व्यवस्था के लिए। ये और क्या है, थोड़ा सा बचा है, मतलब यूँ समझो कि लगभग लगभग 500 मीटर के आसपास तो पहुँच गए हैं, बस थोड़ा सा और है, पहुँचने ही वाले हैं, चल रहे हैं पैदल, कोई दिक्कत नहीं। ये इधर बिजली विभाग आ गया है, बिजली विभाग के खंभे लगे हुए हैं, आरसीसी रोड आ गया है, ये आरसीसी रोड पे चलते हुए, आरसीसी रोड पे घर जाते हुए रास्ते में बहुत सारे मकान दिख रहे हैं आपको, घर पहुंचने वाले हैं।